Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5, subject Hindi, part 2, अंधेरे का डर. मैम ने ये पहले ही पढ़ा चुकी हैं ये पार्ट. आज अंधेरे का डर का रिवीजन मैम करा रही हैं. जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए. लगभग सभी अनूप को एक अच्छा बच्चा मानते थे. वह ऐसा था भी. पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर, और हाजिर जवाब. पर अनूप का एक रहस्य था. उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था. डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने की बात तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी. मम्मी पापा के कमरे और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था. फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था. कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती. क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा बल्ब जलाए रखता. अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बड़ी बौखलाहट होती.
वह खुद नहीं समझ पाता कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। एक दोपहर कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। बच्चों की उत्सुकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा की, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी। हर किसी को पिकनिक में आना ज़रूरी था। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। किलकारियां भरने लगे। और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। किंतु अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़ उठने लगी। दो दिन तो ठीक है, पर घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकल पाएगा। अनूप बड़ी दुविधा में फंस गया था। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसका कारण पूछा। पिकनिक की बात के साथ बिना रुके अनूप ने यह बात बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दे। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई
क्यों सूझ रही है? उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को जाना ही होगा। अनूप सोचने लगा, जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी, सो अलग। बच्चू बड़ा होशियार बना फिरता था। आखिरकार पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए, गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी जगह पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमाझम फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30 से 35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही उन सबको रहना और सोना था। अध्यापिका ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपना अपना साथी चुन ले। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर अजीत को जा पकड़ा। अजीत विद्यालय का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए अजीत ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों को हंसी छिटोली में शामिल हुए दोस्तों की हंसी छिटोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और अजीत बिस्तर में आ दुबके। अनूप का इंतज़ार करता रहा कि अजीत अब रोशनी बंद करेगा, तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खरखड़ी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। अजीत उससे कुछ पूछ रहा था, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अरे वह यह क्या देख रहा था? अजीत खुद थरथर कांप रहा था। अजीत ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और एक आश्चर्य की बात हुई, अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग पर हटाकर उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अजीत को थपथपा कर कहा, दोस्त तुम तो एकदम डरपोक निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थामकर अजीत निश्चित हो गया।
लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं ये बात सबको बता तो नहीं दोगे? अजीत ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसे ही एक पागल लड़का याद आ गया, अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा, लेकिन वह पुरानी बात है। जीवन मूल्य, हमें निडर होकर जीना चाहिए। डर की वजह से हम जीवन में कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? शब्दार्थ एवं कठिन शब्द याद करें तथा उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।